लगाना होगा आप जो है ना। सर सुकुल बाजार में एक दूल्हा जो है जा रहा था दुल्हन लाने, उसको L1 हॉस्पिटल में लाया गया, कोरोना पॉजिटिव पाया गया, क्या है पूरा मामला? देखिए 14 तारीख को बरसंडा बाजार सुकुल से दिल्ली से रामवरण जी उनका परिवार आया था, उनकी सैंपलिंग 16 जून को हम लोगों ने कराई थी, जिसकी रिपोर्ट कल शाम को 6 बजे के आसपास प्राप्त हुई है, जिसमें रामवरण जो 55 साल के हैं बरसंडा के निवासी, उनके पुत्र हैं भानु प्रताप 24 साल के बरसंडा सुकुल बाजार के निवासी हैं, दोनों पॉजिटिव आए हैं। पॉजिटिव आने के कारण इन लोगों को L1 कोविड केयर सेंटर जिला समिति से गौरीगंज में एडमिट कर लिया गया है। सर जिन लोगों के सैंपल लिए जाते हैं, क्वारंटाइन कराए जाते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है, किस तरीके की? हाँ, इनके साथ के 7 लोग और थे जो इनके कॉन्टैक्ट में आए थे, उनको हम लोगों ने सैनिक अस्पताल में फैसिलिटी क्वारंटाइन हमारा बनाया गया है, उनको वहाँ पे भर्ती किया गया है, उनकी स्क्रीनिंग कराई जा रही है, 5 दिन के बाद उनकी सैंपलिंग कराई जाएगी, रिपोर्ट अगर निगेटिव आएगी तो घर जाएंगे। नहीं, सैंपल जैसे लिया गया था तो फिर उनके घर पे कोई एडवाइजरी नहीं चिपकाई गई? चिपकाई गई थी, होम क्वारंटाइन इन लोगों को किया गया था। क्या नाम है भैया आपका और आप कौन है इस ग्राम पंचायत के? ग्राम पंचायत के सफीरुन्निसा प्रधान है, हम उनके पति हैं। आपके गांव में कल जो है 3 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जानकारी मिल रही है कि जिस व्यक्ति की रिपोर्ट आई है उसकी कल बारात गई थी, कल बारात जा रही थी, दूल्हा निकल गया था 2 गाड़ी के साथ, बाप और बेटे और एक जो उसकी लेडीज थी वो यहीं पर रोक लिया गया है, तुरंत सूचित किया गया थाने पे, उन्होंने कमरौली थाना जो है वो वहाँ पे रोका उन लोगों को और उसके बाद में एम्बुलेंस आई उन लोगों को लेकर गई। ये लोग दिल्ली से कब आए हैं? 12 तारीख को। 12 तारीख को जब ये लोग आए तो इन लोगों की जब सैंपलिंग हुई तो क्या ये लोग क्वारंटाइन नहीं हुए थे? क्वारंटाइन हाउस क्वारंटाइन रहा घर पे, उनका पेपर भी चिपकाया गया, बताया भी गया, समझाया भी गया, नहीं ये तो शादी के विषय में कोई जानकारी नहीं दी। शादी के सिस्टम में 3 दिन प्रोग्राम होता है, तेल मायन बारात का, आपके ग्राम पंचायत में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और ये लोग बारात लेके यहाँ से निकल गए? इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं था, मोहल्ले से ही पता लगे कि नहीं, फिर भी मोहल्ले से। हर ग्राम पंचायत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर निगरानी समिति गठित है, तो आप लोग किस प्रकार निगरानी कर रहे थे कि 3 दिन प्रोग्राम हुआ सैंपलिंग के बावजूद ये लोग यहाँ से क्वारंटाइन होने के बावजूद बारात यहाँ से निकल के चली गई, कमौली पुलिस हैदरगढ़ से लेके आ रही है? नहीं, सिर्फ 2 लाख गाड़ी गई है, बाकी सारी गाड़ी यहाँ पर जैसे खबर हुई वैसे रोका गया तुरंत तत्काल। कल वहाँ कमौली पुलिस ने 8 लोगों को मिला, राम प्रसाद नाम है जी, ये जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जिनकी, उनके आप कौन हैं? ये हम उनके रामवरण मेरे चाचा हैं और भानु प्रताप मेरा भाई है और संगीता देवी मेरी पत्नी है। आप कब दिल्ली से आए हैं? सर ऐसा है कि हम 12 तारीख को यहाँ आए हैं। तो आप लोगों को क्या सैंपल किस दिन गया जी? सैंपलिंग कब हुई थी आप लोगों की जो है? हमारे जो है चेकिंग गए थे गौरीगंज एक दिन, तो वहाँ 1 तारीख का तो मुझे पता नहीं। तो उसके बाद आप लोगों को क्या बताया गया था, क्वारंटाइन के लिए बताया गया था कि नहीं बताया गया था? जी बताया गया था, हम अपने नियम अनुसार ही काम कर रहे थे, मतलब उस तरह की भीड़ भड़क का भी नहीं थी सर, हमने कोई जब क्वारंटाइन थे आप लोग, तो आप लोगों के यहाँ से बारात कैसे गई यहाँ से? अब सर इस बारे में अब ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि हमको ज़्यादा परमिशन किसी अधिकारी से आप लोगों ने बारात की? हमें नहीं पता इस बारे में बिल्कुल। शादी के लिए ये लोग मना किए। आपके यहाँ 3 लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे जिनमें से कल एक बारात गई थी, क्या आप लोग क्वारंटाइन नहीं थे किए थे इन लोगों को? नहीं, जैसे कि कल बारात गई थी, इनकी सैंपलिंग हुई थी, तो कल बारात कैसे गई, बारात के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं हुई? हम आशा को भेजे हैं, तीसरे दिन इनको भेज कर रहे हैं, इन्होंने
बताया नहीं है कि हमारे घर में शादी है। आप यहाँ निगरानी समिति है, निगरानी समिति का क्या कार्य है? हम निगरानी समिति में अपना तो कार्य कर रहे हैं, प्रधान जी भी अपना कार्य कर रहे हैं। नहीं तो निगरानी समिति का कार्य क्या है हम ये जानना चाहते हैं।